Good morning, students. Today's topic is small letters. How we should write small letters and fill in the missing letters. The small letters पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि आपने जो है capital letters पढ़ रखा है A to Z. अब आपका सिर्फ जो है एक तरह से small letters की शुरुआत हो. तो small letters भी आपने एक तरह से शुरुआत कर ही दिया है, लेकिन हम लोग इसको एक तरह से revision के तौर पे इसको start करते हैं. तो A to E आज हम सीखेंगे कैसे small letters को लिखते हैं. तो जो भी आपके letters हैं, उनको हम किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से बनाए जाते हैं, उनको हम लोग देखने की कोशिश करें. तो अब यहाँ पर जो आपके letters बने हैं A to E, आपकी copy होगी. उस कॉपी में 4 लाइंस होंगी. इस तरह की आपकी 4 लाइंस होंगी. इन 4 लाइंस में कैसे हम A to E लिखेंगे, पेरेंट्स पहले आपको लिख करके दे देंगे, मम्मी पापा आपको लिख के दे देंगे. ऊपर के कॉलम में आपको कैसे लिखना है, आपको स्पेनिश फॉन्ट में नहीं लिखना है अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं. आप सिंपल फॉन्ट में लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको स्पेनिश फॉन्ट भी बताया जाएगा. जैसे ए आपको लिखना है तो इन टू लेटर्स के बीच में आपका ए आना चाहिए, दे शुड बी ए. नाउ बी, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, कहां से लिखना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है. लाइन से ऊपर ना भी आएगा ना नीचे जाएगा, नहीं कट कट होगा. सी आपको लिखना है, सी ये होगा. डी आपको लिखना है, ये हो गया डी. इसी तरह से आपको ई ई है. एक लाइन में आपके ए बी सी डी ई आ गया. आपको इसी तरह से ध्यान से लिखना है कि ए इन दो लाइंस के बीच में ही रहे, ऊपर वाली लाइन को टच करता है, नीचे वाली लाइन को टच करता है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा. इसी तरह से बी शुरू होगा ऊपर वाली लाइन से, रेड लाइन से यहां तक आएगा इस ब्लू लाइन तक, और फिर उसके बाद बी का जो सर्कल होगा वो आपके इन दो लाइंस के बीच में होना चाहिए. सी इन दो ब्लू लाइंस के बीच में आपके हो. डी जो आपके होगा वो ऊपर से शुरुआत होगी, नीचे आएगा, और जो सर्कल है वाला पार्ट है वो इन दो लाइंस के बीच में होगा, और ई जो है वो इन दो लाइंस के बीच में आपके बनेगा. तो इसके ए बी सी डी ई ये ऐसे जो है आपके लेटर्स हैं जो कि स्टार्टिंग लेटर्स हैं. तो हमें अभी प्रैक्टिस करना है, तो आप कॉपी में मम्मी पापा से इसको ले लीजिएगा और इसको पूरा कॉपी में लिख डालिएगा ए टू ई. जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 से 3 बार, 2-3 को जो है पेज में इसको आप कॉपी कर लेंगे. अब देखिए कैपिटल लेटर आप जानते ही हैं, कैपिटल लेटर में फिल द ब्लैंक्स कैसे करते हैं, कुछ लेटर्स मिस हो रहे होंगे उनको हम कैसे फिलअप करते हैं. तो दूसरी चीज ये होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, फिर हमने डैश दे दिया, फिर डैश दे दिया, फिर यहां डी दे दिया, हमें A to Z आपको लिखना है. अब A से हमने स्टार्टिंग कर दी है, बहुत सारे जो स्पेस है ये फिलअप नहीं है, बीच से आपके लेटर्स मिस कर रहे हैं. उन लेटर्स को हम लोग कैसे जो है भागेंगे, फिलअप करेंगे. जैसे जो है लेटर्स को A के बाद क्या आता है, दैट इज बी. बी यहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा, सी. फिर डी लिखा हुआ है, डी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ई. ई के बाद क्या आता है, एफ. इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ. एफ के बाद क्या आता है, जी. जी को हम लोग यहां पर लिखेंगे. फिर जी के बाद एच लिखा ही हुआ है, एच के बाद फिर क्या आता है, आई. आई के बाद यहां पर जे आता है, इसलिए हम लोग जे यहां पर लिखेंगे. के ये है, फिर उसके बाद हम लोग एल यहां पर लिखेंगे.
एल के बाद फिर क्या आता है एम, एम यहां हम लोग लिखेंगे, एन लिखा हुआ है, एन के बाद क्या आता है ओ, ओ के बाद फिर पी आता है, पी के बाद क्यू भी लिखा हुआ है, क्यू के बाद क्या आता है वो हम लोग यहां लिखेंगे आर, फिर आर के बाद क्या आता है एस, एस के बाद क्या आता है यहां लिखेंगे टी, फिर यू आ गया, यू लिखा हुआ है आपको लिखना है वी, फिर वी के बाद क्या आएगा डब्ल्यू, फिर इसके बाद क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद क्या आता है फिर आता है वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड। अब देखिए हमने क्या लिया, ए टू जेड लिख दिया, जहां जहां जो जो मिसिंग था उस जगह पे आपने एक अल्फाबेट्स को भर दिया, इसको क्या कहेंगे हम लोग मिसिंग लेटर्स को फिलअप करना, जितना आपके मिसिंग लेटर्स हैं जहां पे ब्लैंक्स हैं वहां पर आपको फिलअप करना है, और ए टू जेड आपको आता ही है, आप लर्न कर चुके हैं नर्सरी में, तो इसलिए वहां से आपको कुछ नया लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इसको फिलअप करते जाना है, जहां जहां मिस है वहां वहां आप इसको लिखते जाए, ठीक है, यही आपका होमवर्क होगा और इसी काम को आपको करना है। जो आपके वीडियो है इस वीडियो को साफ सुनने के लिए आपको ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करना होगा, ईयरफोन या हेडफोन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इजीली हमारी वॉइस जो है आपको क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, और ये आपका वर्क है, ये वर्क आपको दिया गया है और इस शीट जो आपके उसमें पड़ी हुई है तो उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके बच्चों को जो है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जो है अपनी हेल्प करें और कॉपी में इस तरह से होमवर्क दे दें और बाकी ये फिल द ब्लैंक्स ब्लैंक्स करके दे दें, बच्चे इनकी प्रैक्टिस करें, और ये प्रैक्टिस शीट आपको दी हुई है, एज इट इज देख करके ही आपको इतना करना है, अभी तक का इनका इंग्लिश का जो होमवर्क होगा वो ये होगा, फिर नेक्स्ट होमवर्क होगा उसके लिए हम लोग फिर मिलेंगे, थैंक यू।